गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटक अधिक संख्या में पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थल तो गुलजार हो उठे हैं। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को बसों में बढ़ती भीड़ से यात्रा के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए पर्यटक अधिक संख्या में उत्तराखंड के तमाम पर्यटन स्थल की ओर रुख करते हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जाने वाली बसों का बुरा हाल है। बसों में खचाखच भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की भीड़ इस कदर है कि वो बस में खड़े होकर जाने के लिए मजबूर हैं और बसों में सीट के लिए यात्री कुछ भी करने को भी तैयार हैं। इस दौरान पर्यटकों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। टाइम से खड़े हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी बस नहीं है कोई। बस है भी तो सीट नहीं है उसमें। नैनीताल जाना था। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।